दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है, फिर तीन ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से अब जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को सभी भाई बहन लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल दबा लेना। हम आपको बता दें, एक बहुत बड़ी खबर आप देख लीजिए, आंगनबाड़ी केंद्रों पर वितरित जो हो रहा है राशन, यानी कि सूखा राशन जिसको कच्चा राशन भी बोलते हैं, तो आपको बता दें उस सब में वितरण के दौरान लगाई गई स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको कितना पैसा मिलेगा, इसके बारे में खबर छपी हुई, इसके बारे में जानकारी आपको देने जा रहे हैं। हिंदुस्तान वालों की तरफ से ही एक ये भी खबर डाली गई है, यहां पर देख लीजिए, आंगनबाड़ी केंद्र स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कराएंगी उपलब्ध, सीडीओ ने दीप प्रज्वलित कर किया है शुभारंभ। चंदौली में हिंदुस्तान वालों ने खबर छापी है, आइए देखते हैं इनका क्या कहना है। और ये फोटो भी वहीं से है, सदर विकास खंड के जो है वहीं पर एक हिनौता प्राथमिक विद्यालय पड़ता है, वहीं पर आयोजित कार्यक्रम हुआ है, ड्राई राशन वहीं पर सीडीओ वगैरह अपना दे रहे हैं, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। अब आगे बता दें, बताया जा रहा है शासन के निर्देश पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर ड्राई राशन का जो वितरण है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। इसकी शुरुआत जिले में कर दी गई है, इसके तहत सदर विकास खंड जगदीश सराय हिनौता वगैरह प्राथमिक विद्यालय में आयोजित वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ सीडीओ डॉक्टर एके श्रीवास्तव ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण वगैरह लिखा हुआ पर दीप प्रज्वलित करके किया है। वहीं गर्भवती धात्री महिलाओं को ड्राई राशन का किट वितरित किया गया है। सीडीओ ने कहा है कि शासन के निर्देश पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को गर्भवती महिलाओं में सूखा राशन का वितरण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिलाएं कोटेदार से राशन लेकर इसका वितरित करेंगी, जबकि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग दाल जो है मुहैया कराएगा। गर्भवती व जो है यहां पर धात्री महिलाओं को 1 किलो चावल, 2 किलो गेहूं, 750 ग्राम दाल दिया जाएगा। देखो, दाल बाल विकास विभाग मुहैया नहीं कराएगा, बाल विकास विभाग परियोजना से मुहैया होगा वो है आपका जो है देसी घी और दूध, ये दो चीजें परियोजना से मिलेंगी, ना कि जो है दाल मिलेगी। दाल आपका अलग से स्थानीय बाजारों से क्रय की जाएगी, कच्चा राशन में जो गेहूं चावल है वो कोटेदार के यहां से आएगा, दाल भी अगर कोटेदार के पास होगी तो देंगे, वरना बाहर से किसी दुकान से खरीदा जाएगा। और इन सबकी जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की है। आगे लिखा है, माह में 2 बार राशन आने पर कोटेदार समूह की महिलाओं को उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। साथ ही महिलाएं घर घर जाकर के अथवा गांव में किसी तय जो है स्थान पर इसका वितरण करेंगी, इसके बदले उन्हें 5,000 रुपए दिया जाएगा। कितना? यही पोषाहार वितरण के बदले स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को 5,000 रुपए दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि धनराशि समूह की 10 महिलाओं में वितरित होगी, तो उनके अनुसार कहना है कि जो 5,000 रुपया समूह की महिलाओं को मिलेगा वो 10 लोगों में समूह की महिलाओं में बटेगा, ऐसा इनका कहना है। तो फिलहाल के लिए वितरण के दौरान वहां पर क्या 10 समूह की महिलाएं आएंगी या फिर जो है अकेली महिला आएगी, किसकी क्या जिम्मेदारी लगी? अगर अकेली लगी है, अकेली आएंगी, अकेले वितरण करेंगी, तो 10 लोगों में कैसे बटेगा? तो ये चीजें, फिलहाल समूह 10 लोगों का होता है, 10 से ज्यादा भी लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, मिनिमम 10 लोग होते हैं, तो ऐसे में क्या 10 लोग पोषाहार बंटवाने के लिए या पैकेजिंग के लिए आएंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, या एक एक लोग ही एक एक जो है केंद्र को संभालेंगे? इसके बारे में ना किसी आधिकारिक आदेश में कुछ छपा है, ना लिखा है, ना ही अभी तक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पैसा देने के बारे में कोई सरकारी आदेश लिखा है या छपा हो कि इतना इतना इनको मिलेगा। कोई अभी आदेश हमने नहीं पढ़ा है, फिलहाल हो सकता है हिंदुस्तान वालों ने पढ़ लिया हो, जैसे इन्होंने दही मिलेगा ऐसी खबर भी इन्होंने छापी थी। फिलहाल के लिए इनका यह भी मानना है कि विभाग प्रत्येक महिला को 1,300 रुपए मानदेय दिलाने के लिए भी शासन को पत्र भेज चुका है। कितना? 1,300 रुपया स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को महीना दिलवाने के लिए जो है शासन को पत्र भेजा गया है। मिलेगा ये नहीं है, अभी पत्र सिर्फ भेजा गया है, सहमति मिलेगी क्या होगा वो आगे डिपेंड करेगा, लेकिन इनका ऊपर यही कहना है कि 5,000 रुपया जो दिया जाएगा वो समूह की 10 महिलाओं में बटेगा, मतलब 500 रुपया जो है एक एक के हिस्से में आएगा। तो अब यही देखना है कि क्या 10 लोग आती हैं, अकेले आती, क्या है क्या नहीं है। फिलहाल एक सवाल इसमें यह जरूर उठता है कि आंगनबाड़ी बहनें आज तक पोषाहार बांटती नहीं, उनको वितरण के दौरान सरकार ने पैसे नहीं दिए? अगर दिए होते तो शायद जो गलत कर रही होती वो भी गलत नहीं करती, और भी तमाम ऐसे कारण थे जो शायद कम हो जाते, या जो भी था तो उनको क्यों नहीं मिला, वो फ्री में ही बांटती रही, और आज जो आज इनको लगाया गया है
उनको पैसे मिलेंगे और काफी जगह लगने के बावजूद भी जो है वो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, वो सारा काम आंगनबाड़ी पर ही सौंपा जा रहा है, तो ये सब गलत हो रहा है। आगे देखिए, कार्यक्रम में डीसी जो है यहाँ पर एनआरएलएम और एमपी लिखा है चौबे, जिला आपूर्ति अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी नीलम मेहता सिंह, अन्य लोग भी वहां पर मौजूद रहे, ऐसा जानकारियों में आ रहा है, चंदौली जनपद में खबर छपी है। फिलहाल के लिए हम आपको आगे ले चलते हैं और भी आपको दिखाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए ये है दीपा गुप्ता बहन, उन्होंने अपने वहां पर धरना प्रदर्शन जो किया होगा, और भी उनकी महिलाएं यानी बहनें हैं साथ में, उन्होंने एक प्रश्न नोट भी हमें भेजा हुआ और काफी जो है मीडिया चैनल को भी भेजा होगा। साथ ही उनका कहना है, भैया जी नमस्ते, इसमें मैंने सारी वीडियो भेज दी है भैया जी, धोखे से जो है दो बार चली गई है, कोई बात नहीं है। तो उनका कहना है जो दिखाने लायक हो उनको दिखा दीजिएगा, बाकी डिलीट कर दीजिएगा कर दीजिए, और साथ ही ये भी कहना लेकिन दिखाना जरूर यूट्यूब पर। तो चलिए बहन के कहने पर हम ये वीडियो जो भेजे गए हैं उनको हम आज आपको दिखाते हैं, जिनमें आंगनबाड़ी बहनें अपने इसी कच्चे राशन का विरोध कर रही हैं, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर जो है मानसिक तनाव आ रहा है। मानसिक तनाव ऐसा नहीं है कि उनके हाथ से जो है हक छीना गया, उनको दिक्कत इस बात से है कि मानक के अनुसार काफी बहनों को जो है कच्चा राशन मुहैया नहीं हो रहा है, तो बहनें कैसे बांटे, किसको दे किसको ना दे, लाभार्थी में खलबली मची हुई है। दूसरी बात यह है कि पोषाहार जो है कच्चा राशन कोटेदार के वहां से ढोकर के लाने की भी जिम्मेदारी काफी बहनों पर सौंपी जा रही है, ये भी गलत है। उसके लिए किराया भाड़ा ऊपर से प्रावधान है, जिसका हक है जिसका फर्ज है भेजना उसको भेजना चाहिए, विभाग को भेजना चाहिए। इन सब में आंगनबाड़ी अपनी जेब से पैसा कब तक लगाएं, क्योंकि 5500 मानदेय उनका तीन तीन चार चार महीनों से बकाया है, दिवाली का त्यौहार आने वाला है सर पर आ ही चुका है, समझ लीजिए पैसा अभी तक खातों में नहीं आया है। अब आप बताइए कब पैसा आएगा, दिवाली से पैसा आना रहा। अब आगे बता दीजिए, ये देख लीजिए आप लोग, यहां पर कुछ वीडियो बहन ने भेजे हैं, कुछ फोटो ने भेजी है, काफी आंगनबाड़ी बहने हैं उन्हीं के ब्लॉक से, सबने इसका विरोध किया। विरोध इसीलिए है कि यहां पर उनके ऊपर से मानसिक तनाव हटाया जाए, जिसकी जिसकी जिम्मेदारी है स्वयं सहायता समूह की उनको सौंपा जाए, और हर एक लाभार्थी को पोषाहार ये कच्चा राशन मिले। ऐसा नहीं कि आधों को आप दे दें आधे को ना दें और दिक्कत सिर्फ आंगनबाड़ी को होगी, इसलिए सभी लाभार्थियों को कच्चा राशन मिल जाए इसके लिए यहां पर मांग की जा रही है। तो सरकार विभाग अपना सोचे किसको कितना भेजना है। फिलहाल के लिए प्रेस नोट को हम आप पहले पढ़ करके बता देते हैं, उसके बाद हम आपको धरने के वीडियो भी आपको दिखाएंगे, उनको भी आप जरूर देख करके जाना। इसके बावजूद भी हम आपको वो लेटर भी दिखाएंगे जो आप लोगों के प्रारूप बोले जाते हैं, एक तो स्टॉक वाला दूसरा आपका भरने वाला, दोनों आप उसको समझ लेना अच्छे से। प्रेस नोट में लिखा है सेवा में बाल विकास परियोजना जो है असमौली वगैरह लिखा हुआ है, तो यहां पर संभल जिला है, आज दिनांक 10 तारीख को यानी कल ये सब कुछ हुआ है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ड्राई फूड राशन की ट्रेनिंग दी गई है, जिस दौरान कार्यकर्तियां को जानकारी मिली है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थी को प्राप्त मात्रा में राशन नहीं मिलेगा, जिसे सुनकर कार्यकर्तियों में भारी रोष व्याप्त है, अतः सभी कार्यकर्तियों ने एकत्र होकर धरना प्रदर्शन किया तथा परियोजना अधिकारी को अवगत कराया है कि यदि आंगनबाड़ी केंद्र के पंजीकृत बच्चों को पूर्ण राशन नहीं दिया गया, सभी जो है ड्राई जहां पर लिखा गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ड्राई फूड राशन के वितरण का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई है। धरना प्रदर्शन में भाग लेने वाली जो है यहां पर काफी जो है असमौली परियोजना की बहने हैं, जिनमें सोमवती रेखा सिंह बहन, दीपा गुप्ता बहन, ममता शर्मा बहन, रेखा बहन, सत्यवती बहन, आशा शर्मा बहन, सावित्री बहन है, रेखा देवी बहन है, सीमा शर्मा बहन, साधना बहन है, सत्यवती बहन है, कमलेश देवी बहन है, और यहां पर सभी जो है जहरा बहन है, और साथ एक और नाम लिखा हुआ है रुक क्या वगैरह पता नहीं क्या ऐसे लिखा हुआ नाम। तो फिलहाल के लिए सब हमारी बहनें हैं जो वहां से, और यहां पर देख लीजिए उन्होंने विरोध इसका किया है, यही उनका जो है एक मानना है, और हमारा भी मानना है कि देखो जो कार्यक्रम है जो चीजें हैं जिसकी जिम्मेदारी वो अपनी अपनी निभाएं, अच्छे तरीके से कच्चे राशन का वितरण जो अपने क्षेत्र में लाभार्थियों को करवाया जाए, मानक के अनुसार मिले सबसे पहले तो यही सुनिश्चित करना है। दूसरी बात यहां पर यह भी है कि पैसा आंगनबाड़ी का इसमें खर्च ना करवाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा पैसा उनके मानदेय का पहले से सरकार विभाग अपने कामों में खर्च करवा रही है। उदाहरण स्वरूप आप जानते ही हो, जैसे आप लोगों का मोबाइल रिचार्ज, अन्न प्राशन, गोद भराई, तरह तरह की फीडिंग, तमाम चीजों में पैसा जाता है, किराया भाड़ा का पैसा जाता है, और ऊपर से अब इसका भी पैकेजिंग एकेजिंग ये सब कंटेनर वंटेनर स्टील के डिब्बे तमाम जनपदों में बोला जा रहा है, तो इसी सब में आंगनबाड़ी बहनों को मानसिक तनाव है और इससे बहने तभी निकले। दूसरी बात, दिवाली आ गई है, विभाग को जरा सी भी यहां पर फिक्र नहीं है आंगनबाड़ी बहनों की, जिनको 5500 रुपया मिलता है मानदेय, और वरना दिवाली से पहले मानदेय भेज दिए होते, और अभी तक आंगनबाड़ी बहनों का दिवाली से पहले मानदेय नहीं आया है। काफी बहनें परेशान है हर एक राज्यों में, क्या उत्तर प्रदेश की बात करें, क्या हम बिहार की करें, या किसी भी राज्य की बात ले लो, मध्य प्रदेश में कुछ ही कुछ जिलों में आया है, कुछ जिलों में अभी भी जो है सितंबर जो है अगस्त का ही पैसा बकाया है बहनों का, उन्होंने कहा है। तो ऐसी बातें हैं, तो यहां पर कुछ कुछ परियोजनाओं में जिलों में किसी किसी का आ जाता है, किसी का पैसा ही नहीं आता है। आगे देख लीजिए, यहां पर और भी मैसेज आया, ये पंजीकरण
पंजिका है स्टॉक की, और स्टॉक पंजिका के कॉलम ऐसे बनाए जाएंगे, आप लोग देख लीजिए। और ये पंजिका है लाभार्थियों के वितरण की, इसमें भी जो है आप लोगों को हम बताना चाहेंगे। ये भैया आज हम लोगों की मीटिंग थी और यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है, राशन वगैरह वितरण को लेकर के प्रारूप बहन ने भेजे, नीतू बहन बहन है। और ये देख लीजिए स्टॉक पंजिका में प्रविष्टि कैसे है, स्टॉक पंजिका के बारे में आप लोग पहले देख लीजिए। इसमें लिखा गया है जो विकास जो किसके द्वारा प्राप्त किया गया, तो यानी जिसके द्वारा प्राप्त किया जाए उसका बारे में भरना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर भी इस पर होने हैं। लाभार्थी समूह कैसा है, गर्भवती धात्री हैं, 7 माह से 3 वर्ष हैं, 3 से 6 वर्ष हैं, 11 से 14 वर्ष की स्कूल वाली हैं, इनके सामने सामने सब कालम दिए हैं। कालमों में साफ साफ मैं आपको बता दूं, देखो चावल का कालम बना है, इसमें मात्रा भी आपको भरनी है, पैकेट भी भरने हैं। और सब साफ बता दूं, बोरे कट्टे जहां जहां जा रहे हैं वो गलत है, पैकेजिंग जानी चाहिए थी, पैकेट जाने चाहिए थे, पैकेज करके जो भी थे वो नहीं जा रहे, तो ये गलत है, ठीक है। गेहूं वगैरह मात्रा और पैकेट आपको भरने हैं, जो कि ना पैकेट में मिल नहीं रहा जो है गेहूं का, ऐसे ही जो है पूरे पूरे बोरे कट्टे बोरी जो है वो भर करके पहुंचाई जा रही है। दाल वगैरह भी देख लीजिए, मात्रा और पैकेट में ही सब भरना है, अलग अलग कैसे वो भर पाएंगे, कितने पैकेट मिले हैं, जब पैकेट का कोई वही नहीं है। अब आगे देख लीजिए, पैकेजिंग की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की थी, वो भी नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर जो है बहनों पर ही तनाव आ रहा है। आगे तिमाही में देख लीजिए, घी है, दूध है, ये सब आएगा, इसके बारे में भी पैकेट पैकेट लिखा हुआ भरिए। प्राप्त की जो रसीद दिनांक है वो, किस दिन आपको ये सब प्राप्त हुआ वो भरना है, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर भी यहां पर करवाए जाएंगे। ये सब जो है इस तरह से एक जो है ऐसे है। दूसरा एक ये देख लीजिए, पोषाहार वितरण पंजिका, और यहां पर समूह जो है यहां पर 3 से 6 वर्ष का, ये थोड़ा रुक नहीं रहा है, तो हम आपको बता दें इसमें कालमों के बारे में जानकारी आपको हम देना चाहेंगे, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम और मोबाइल उनका। इसमें लिखा है क्रम संख्या, लाभार्थी का नाम, पिता अथवा पति का नाम जो भी है लाभार्थी से संबंधित, तो उनका आयु वगैरह भरनी है माह में और वर्ष में, ठीक है। उसके बाद प्राप्त करने वाला व्यक्ति का क्या नाम है उसका भी कालम बना हुआ है। चावल के लिए मात्रा और पैकेट दोनों के कालम बने हुए, गेहूं के लिए भी सेम है, मात्रा और पैकेट दोनों भरनी है, यानी कितनी मात्रा में आपको प्राप्त हुआ है। मात्रा पैकेट का मतलब यह है जितने लाभार्थी हैं उसी अकॉर्डिंग आपका मिलना चाहिए था, उतनी मात्रा आपको होनी चाहिए, लेकिन जितना आए आप उतना ही इस पर दर्ज करें, और कम आता है लाभार्थी से तो आप चाहो तो इन बहनों की तरह अपना विरोध दर्शा सकते हो, जो भी वो आप पर डिपेंड करता है, या आप ऐसे ही जो इसको आगे बढ़ाते हो वो आप पर डिपेंड करता है। आगे देख ले प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर क्या है, और प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर भी यहां पर भरना है। ऐसे एक कालम वगैरह भी मेरे पास आया है, ऐसे भी भरवाए जा रहे हैं। और एक और आपको दिखाते हैं, ये लाभार्थी समूह जो है आपका यहां पर गर्भवती समूह वाली हैं महिलाएं, और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं, कुपोषित है, कुपोषित है, इनके लिए भी सेम वैसे ही सब कुछ लिखा हुआ है। यहां पर भी सेम है वैसे ही है जैसा कि मैंने पूर्व में आपको दिखाया। और यहां पर बता दें आपको, यहां पर भी देख सकते हो घी और दूध का ही जिक्र है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान अखबार ने जो है दही तक बंटवा दिया है, पता नहीं किस खुशी में, वो सिर्फ अखबारों में ही बंट चुका है। मैंने आपको इसके लिए वीडियो कल दे दिया था, आगे बताना चाहेंगे आज का वीडियो। अब हम आपको धरने की कुछ वीडियो दिखाते हैं, जिसमें आप देखिए कैसे बहनों ने इसका विरोध भी किया, जहां पर लाभार्थियों के अनुसार जो है पोसा ये कच्चा राशन नहीं पहुंच रहा है, और साथ ही साथ काफी जगह ऐसे भी हैं जहां पर पैकेजिंग नहीं की जा रही है, जिम्मेदारी लोग अपनी अपनी नहीं निभा रहे हैं और सारा बोझ आंगनबाड़ी पर डाल रहे हैं, जैसे मोबाइल में रिचार्ज के नाम पर पैसे खर्च करवाने हो, या फीडिंग के नाम पर हो, या अन्य तरह का जो भी आपका गतिविधि मनाया जाता उसका भी पैसा कभी नहीं आता। बहनों ने जो है यहां पर कोविड संक्रमण काल में ड्यूटी किया है, उसका भी पैसा उनको जो है अभी तक जो है नहीं मिला है। अब हर तरह की ड्यूटी का पैसा उनको मिलता नहीं है, काम ही काम बस दे दिए जाते हैं, जो आपकी स्किन पर आल इंडिया हर रोज ऐसे ही मुद्दों को उठाता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आता होगा, और आप लोग शेयर भी करते होंगे, और अपनी बहनों को भी अधिक से अधिक जो है देखने के लिए भी कहो, ताकि वो भी वीडियो को देखे करें, आप लोगों को भी समय मिले, आप लोग भी देखा करो, ऐसे ही जो है काफी ताकत बढ़ेगी आल इंडिया की, ज्यादा लोग देखा करेंगे तो अच्छा लगेगा और अच्छे वीडियो बनाए जाएंगे। साथ ही अब आप लोग धरने का वीडियो आपको दिखाते हैं, इसको देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो गरीबों को पर्याप्त राशन जो है वो देना होगा, ऐसी मांग बहनें कर रही हैं। रीजन ये है कि यहाँ पर लाभार्थियों के अकॉर्डिंग जो भी कच्चा राशन है वो आंगनबाड़ी बहनों को मुहैया नहीं हो रहा, जिसके चलते आंगनबाड़ी बहनें यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन टाइप का कर रही है। ऐसे आप लोगों को प्रदेश में काफी जिलों में देखने को मिल जाएगा, और काफी जगह बहनें हैं जो डर के मारे अपनी आवाज को ही नहीं उठा पाती हैं, तो उन सबके लिए ये मिसाल है बहनें जिन्होंने इसका कम से कम विरोध किया। और ये इसके खिलाफ नहीं है कि जो प्रक्रिया चल रही है वो गलत है, प्रक्रिया सही है, लेकिन प्रक्रिया सही तरीके से की जाए, जिसकी जिम्मेदारी जिसको सौंपी गई थी आधिकारिक आदेशों के मुताबिक वो मनाई जाए, और आंगनबाड़ी बहनों पर किसी तरीके का दबाव न डाला जाए कि जो आप अपनी जेब से पैसे खर्च करो इस योजना को, इस कार्यक्रम को, पोषाहार की नई व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे पैकेजिंग के लिए हो या अपने केंद्रों पर किराया भाड़ा लगा करके जो है अनाज लाने के लिए, ये सब चीजें नहीं चलने वाली है, इससे बहनों का पैसा खर्च हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे आंगनबाड़ी बहनों की ये आवाज आप लोगों को दिखाई दे रही है।
अगर